जर्नल टॉपिक्स का। इसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो हिडन गुडविल का है, सो इसको कंप्लीट कर लेते हैं 67th वाले को, जिसमें एक्स एंड वाई पार्टनर्स है 5-3 के लिए। और बैलेंस शीट की बने स्टार्टिंग विद क्रेडिटर्स ऑफ ₹50,000, प्रोविडेंट 15,000। सो सबसे पहला काम है यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे विद द एडजस्टमेंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा एडजस्टमेंट से बनता है। सबसे पहला है प्रीमाइसेस टू बी इंक्रीज टू 2 लाख, तो प्रीमाइसेस जो है वो 2 लाख रुपीस तक इंक्रीज करनी है। प्रीमाइसेस 1,50,000 की है, 2 लाख तक इंक्रीज करनी है, मीन्स कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से। सो बाय प्रीमाइसेस, देन स्टॉक बाय 5,000, बाय स्टॉक। क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000, वन बिल ऑफ गुड्स परचेज हैव बीन ओमिटेड, ओमिटेड मीन्स स्किप्ड, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा। तो अब हमारे क्रेडिटर 60 के हो गए, भाई 50 के पहले थे, 60 के अब हो गए, तो 10,000 रुपये का बिल हो गया। सो टू अनरिकॉर्डेड बिल, या बाय क्रेडिटर सीधा टू क्रेडिटर्स लिख देते हैं, टू क्रेडिटर 10,000। देन इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 12,000। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है जो हमें पे करना है, सो टू आउटस्टैंडिंग रेंट। एक प्रीपेड सैलरी है 2,000 रुपीज की, सो बाय प्रीपेड सैलरी। बाय प्रीपेड सैलरीज 2,000। देन लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वॉज ओनली 10,000। भाई पीएफ 15 का दे रखा है सिर्फ 10 का, मीन्स 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सो बाय प्रोविडेंट फंड कितने से, 5,000 से प्रॉफिट हुआ 5,000 का। अब डब्ल्यू सी क्लेम 16,000 रुपए का दे रखा है, रिजर्व चेक करो 40,000 रुपए का, पैसा बहुत है, क्लेम आराम से दे सकते हैं, तो रिवैल्यूएशन नहीं आएगा। मैंने आपको बताया रिजर्व की एक कहानी WCR की, अगर आप अपनी पॉकेट से पैसे दोगे तो आप रिकॉर्ड करोगे, वरना रिकॉर्ड नहीं करोगे। सो इसमें आपके पास इतनी एडजस्टमेंट दे रखी है, तो इस वाले में केस में तो प्रॉफिट निकल के आ रहा है 50, 62। ट्वेल्व एंड टेन ये हो गए 22, सो 40,000 रुपीज का आपके पास प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स एंड वाई। रेशियो दे रखा है 5:3 का, तो 5:3 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये हो गया आपके पास 10,000 करके बोलना बेटा अगर किसी को रिवैल्यूएशन में डाउट है तो। XYZ, we'll start with the partner's capital account and beginning of the capital, that is from liability side. So liability side से हम लोग सबसे पहले क्या पिक करते हैं, balances, by balance brought down 2,70,000, 1,60,000, right? आफ्टर बैलेंसेस यू विल गो टू रिजर्व्स, चेक करो कोई रिजर्व्स हैं। अच्छा सॉरी, बैलेंसेस चेंज है, क्वेश्चन चेंज हो गया,
सो स्टार्टिंग में सबसे पहले बैलेंस आएंगे, बैलेंस इज 2,60,000 एंड 1,35,000। देन इसके बाद चेक करो कोई रिजर्व्स हैं, यस वी हैव WCR। अब WCR में से 40,000 रुपीज का WCR है, रिजर्व कितने का है 40 का, क्लेम कितने का है, क्लेम हमारे पास है 16,000 रुपए का, बचा कितना 24,000 रुपए। इसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो इज 5:3। सो आ जाएगा बाय WCR, सो 15,000, 9,000। अब हमने PF बटता नहीं है, ये आपको पहले बता चुका हूँ। असेट साइड पे जाएंगे, तीन चीज़ें चेक करेंगे, क्या गुडविल है, नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये दे रखा है तो आ जाएगा इधर 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अगेन ओल्ड रेशियो में 16,000 रुपये को बांट दोगे आप 10 और 6, 16,000 बांट दिया। इसके बाद क्या करेंगे आप, अब हम देखते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया तो बाय रिवैल्यूएशन 25,000, 15,000। रिवैल्यूएशन भी आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री बाय बैंक, कितने रुपए की कैपिटल लेके आए, 1,50,000 इज कैपिटल। देन अब इसके बाद गुडविल के लिए दे रखा है, गुडविल इज वैल्यूड एट 1,60,000। जेड इज ओनली ब्रिंग 2/5 ऑफ ए शेयर इन गुडविल इन कैश, मतलब ये कुछ पैसे कैश में ला रहा है, कुछ पैसे कैश में लेके नहीं आ रहा, तो हम दोनों चीजें लिखेंगे अब, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो कैश में आई, बाय जेड्स करेंट अकाउंट जो कैश में नहीं आई। ये दोनों चीजें क्लियर है, अगर गुडविल कैश में आती है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आएगी, और गुडविल कैश में नहीं आती तो जेड के करंट अकाउंट के नाम से आएगी। इस क्वेश्चन में दोनों चीजें मैंशन है, वो कह रहा है भाई 2/5 जो है वो कैश में ला रहा है, तो वो कितने नहीं लेके आ रहा, 3/5 कैश में नहीं लेके आ रहा है। तो अब सबसे पहले आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हमारे पास जो गुडविल दे रखी है वो दे रखी है 1,60,000 की, गुडविल ऑफ द फर्म, ये पार्टनर की गुडविल नहीं है, गुडविल ऑफ द फर्म है, लेकिन Z का शेयर नहीं पता हमें, लेकिन इतना बता रखा है X सरेंडर 1/4 ऑफ ए शेयर एंड Y सरेंडर 1/3 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ Z। सो X कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर दैट इज 5/8। Y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, Y सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर दैट इज 3/8। So, 5/32 X ने दिया है, 3/24 Y ने दिया है, ठीक है। X ने कितना सेक्रीफाइस करा, 5/32 एंड Y ने कितना करा है सेक्रीफाइस, 3/24। Z को कितना मिल रहा है, 5/32 X से प्लस 3/24 एलसीएम लेना, वन बाय एट, सो एलसीएम 32 आ गया, ये हो गया 5 + 4, 9/32। और अगर इसको 32 के इक्विवेलेंट करना है तो क्या करेंगे, 4/32। सो ये रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 5:4 का, और जेड का शेयर आ गया तो जेड की गुडविल कितनी हो गई,
Z's goodwill is equals to 1,60,000 into 9/32. अब कैश वाली कितनी है जो कैश में ला रहा है, डैट इज 2/5 ऑफ 45,000, 18,000. और नॉन कैश वाली कितनी हो गई, तो उसके अकाउंट से निकाली जाएगी, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपकी नॉन कैश की हो गई, डैट इज 3/5, 27,000. उर्मी दस हजार, आठ हजार, पंद्रह हजार, बारह हजार. सो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो गुडविल का है. इस गुडविल की वजह से कैपिटल अकाउंट बहुतों का मिस्टेक करेगा होगा. आई होप ये क्लियर है आपको पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट. इसमें और तो कुछ नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. इसके आप बैलेंसेस निकालोगे. सो बैलेंसेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे. टू सिक्सटी, सेवेंटी, एट्टी, नाइन्टी, थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड. वन थर्टी फाइव, फोर्टी, फिफ्टी, वन फिफ्टी, 160, 170, 1,79,000, 1,50,000, 325, 179, and 1,50,000. 2, balance. Carry it down. 3,15,000, 1,73,000, and 1,50,000. So that is all about your capital account. इस main जो काम है आपका वो goodwill का है. Treatment of goodwill बहुत important है इस chapter, इस वाले topic का. सबसे पहले हम कहाँ से start करेंगे, liability side से. कैपिटल्स एक्स वाई जेड, हमारे पास तीनों की नई कैपिटल्स आ चुकी हैं, 3/15, 173, 1,50,000. ठीक है, कैपिटल्स के बाद नीचे आपके पास क्या दे रखा था क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स. चेक करो क्या क्रेडिटर्स में कोई डिफरेंस है, कोई वैल्यूज में चेंजेस आए. क्रेडिटर्स अब 60 के हो गए, 10,000 रुपये से और बढ़ गए हैं. 10,000 रुपये का लॉस होने लगा, क्या हो गया, हमारी क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई. देन पीएफ हमारे पास बाय साइड में देखा है 5,000 रुपये से नुकसान हो गया, मतलब हमें बेनिफिट हुआ, मतलब पीएफ की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई. वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अब क्लेम कितने रुपए का था, 16,000 रुपए का. ये एक लायबिलिटी है क्योंकि हमने इसको प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया कि पैसे देने हैं हमें क्लेम के, तो 16,000 रुपए आपके यहां पे आएंगे, इस चीज को ध्यान रखना. देन आउटस्टैंडिंग आपके पास था, आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000 रुपए का. देखो रिवैल्यूएशन के तो सारे अमाउंट्स आने हैं यहां पे. असेट साइड पे आ जाओ, असेट साइड में सबसे पहले आपको बैंक दे रखा है. बेटा बैंक में बैलेंस प्लस होगा 29,000 रुपीज का, उसमें प्लस करेंगे 1,50,000, फिर हम प्लस करेंगे गुडविल. लेकिन गुडविल सिर्फ उतनी करी जाएगी जितनी कैश में आई थी, 18,000 रुपए की गुडविल. गुडविल हम पूरी नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ पैसे कैश में ला रहा है, कुछ पैसे कैश पे नहीं ला रहा, तो जितने पैसे ला रहा है उसमें ही हम इसमें ऐड कर सकते हैं. सो 29,000 प्लस 1,50,000 जो कैपिटल का है, प्लस 18,000 रुपए जो गुडविल का है. ठीक, इसका टोटल करिए,
देन इसके बाद जो गुडविल कैश में नहीं आई वो जेड्स करेंट अकाउंट के नाम से, जेड्स करेंट अकाउंट ये गुडविल ही है लेकिन जो कैश में नहीं आई थी। कितने रुपए की नहीं आई थी? 27,000 रुपए की। ये गुडविल कैश में नहीं आई है 27,000 रुपए की। देन डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज आया? नहीं आया। सो 1,80,000 रुपीज की डेटर आ गया। स्टॉक, स्टॉक में चेंज आया था 5,000 रुपए से इंक्रीज कर गया है, तो ये हो गया 1,30,000 का। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस देखो बाय साइड में ही है, भले ये भी इंक्रीज करा 50,000 रुपए से, तो ये हो गया 2,00,000 रुपए का। अब इसमें से सिर्फ एक प्रीपेड सैलरी रह गया, वो असेट है। प्रीपेड सैलरी कितने का? 2,000 रुपीज का। बैंक वाली अमाउंट क्या निकल के आई है? 1,97,000। ये आपकी बैलेंस शीट हो गई, ये रिवैल्यूशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स। अपना प्यार, अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते रहिए एंड लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिए अगर आप लोग को लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल हैं, स्पेशली जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स। ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। Once again.